अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को संघीय जांच एजेंसी यानी एफबीआई के उस हलफनामे का खुलासा किया जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो स्थित आवास की तलाशी को सही ठहराया गया है। इस दस्तावेज में पूर्व राष्ट्रपति के फ्लोरिडा स्थित आवास पर गोपनीय रखी गई बेहद संवेदनशील जानकारियां हैं। दस्तावेज के मुताबिक ट्रंप के पास बहुत से गोपनीय दस्तावेज थे। तलाशी में मिले गोपनीय दस्तावेजों के 11 सेट के बारे में इस हलफनामे से कोई नई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना पता चलता है कि न्याय मंत्रालय के लिए इन दस्तावेजों को हासिल करना महत्वपूर्ण क्यों था। हलफनामे से खुलासा हुआ है कि जनवरी में ट्रंप के आवास से मिले 15 बक्सों में 14 पर गोपनीय लिखा था। इन बक्सों के अंदर 184 दस्तावेज मिले जिन पर गोपनीय अंकित था। इनमें से 67 पर कॉन्फिडेंशियल, 92 पर सीक्रेट और 25 पर टॉप सीक्रेट लिखा था। इसमें उच्च स्तरीय खुफिया जानकारी वाले दस्तावेज शामिल हैं। जिन एजेंट ने बक्सों का निरीक्षण किया उन्होंने पाया कि दस्तावेजों पर विशेष रूप से अंकित था कि वो सूचना बेहद संवेदनशील मानव स्रोतों या इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों से हासिल की गई थी। हलफनामे में कई दस्तावेज ऐसे पाए गए जिन पर ओरिजिनेटर कंट्रोल्ड लिखा था, मतलब ये कि जिन खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाई थी वे नहीं चाहते थे कि उनकी अनुमति के बिना अन्य एजेंसियों को वे दस्तावेज दिए जाएं। इस बारे में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी ने बताया, चीजें जब इस स्तर तक गोपनीय रखी जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि जो लोग सूचना जुटा रहे होते हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि कुछ गोपनीय दस्तावेजों को अन्य कागजात के साथ मिलाकर रखा गया था। नेशनल आर्काइव्स के व्हाइट हाउस डिवीजन के निदेशक के अनुसार बक्सों में अखबार, पत्रिकाएं, प्रकाशित न्यूज आर्टिकल्स, तस्वीरें, व्यक्तिगत दस्तावेज और अन्य चीजें पाई गईं। सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद गोपनीय दस्तावेजों को खुला और अन्य कागजात के साथ मिलाकर रखा गया था,